साल के स्टार्टिंग में टाटा पंच ईवी लॉन्च हो चुकी नई आर्किटेक्चर के साथ, और आप लोगों ने प्लान बना लिया होगा कि इस साल में हम नई गाड़ी परचेस करने वाले हैं। तो इस साल में अगर आप गाड़ी परचेस करने वाले हैं तो कुछ चीजें आपको ध्यान में रख के परचेस करनी चाहिए ताकि लॉन्ग रन में आपको ज्यादा बेनिफिट हो। सबसे पहले इंडिया में नया नवेला भारत एनकैप चालू हो चुका है, जिसमें टाटा सफारी और टाटा हैरियर को 5 स्टार की रेटिंग मिली है। तो अगर आप कोई भी गाड़ी परचेस कर रहे हैं तो ग्लोबल एनकैप या भारत एनकैप में कम से कम 4 स्टार की रेटिंग वाली गाड़ी ही परचेस की ताकि आप ज्यादा सेफ रहे। अब गाड़ियों की जान होती है उनका इंजन। पहले का जमाना कुछ और था, अलग अलग टाइप के इंजन आते थे, ज्यादा पावरफुल इंजन आते थे, बड़े बड़े साइज के इंजन आते थे। लेकिन आज के टाइम पे कंपनीज ने इतने ज्यादा इनोवेशन कर लिया है कि छोटे इंजन के अंदर भी वो ज्यादा पावर पैक कर पाते हैं। हालांकि आप देखेंगे तो इंडिया के अंदर डीजल इंजन का कुछ ज्यादा स्कोप मेरे को लग नहीं रहा, क्योंकि नए इलेक्शन के साथ कौन सा रूल आने वाला है डीजल इंजन के लिए, तो ये तो भैया किसी को कुछ नहीं पता है। इसलिए आप डीजल इंजन को थोड़ा सा अवॉइड ही कीजिए अनटिल अनलेस आप गाड़ी को 5, 6, 7 साल के बाद बेचने वाले हैं, पेट्रोल इंजन चूज कीजिए। और सबसे बढ़िया बात तो आपको रहेगी पेट्रोल इंजन के साथ एक इलेक्ट्रिक इंजन यानी कि हाइब्रिड गाड़ी चूज कीजिए, जिससे आपको पेट्रोल इंजन के अंदर ही बहुत ही शानदार माइलेज मिलेगी। मैं माइल्ड हाइब्रिड की बात नहीं कर रहा जो सिर्फ स्टार्ट होने के लिए इलेक्ट्रिक पावर का यूज करती, मैं बात कर रहा हूँ प्रॉपर एक हाइब्रिड इंजन जो चलते टाइम पे प्योर ईवी में भी चल सकती है। ऐसे में आपकी माइलेज अच्छी मिलेगी, आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी मिलने वाली है। अब इंडिया के रोड्स ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, कहीं पर एकदम स्मूथ हाईवेज मिलने वाले हैं आपको, कहीं पर एकदम ऐसा रोड मिलेगा कि आप 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकते हैं, कहीं पर आप 10 की स्पीड भी नहीं पकड़ने वाले, क्योंकि रोड इतने खराब होते हैं। हाईवेज के अलावा अगर स्टेट हाईवेज की बात करें, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग हाईवे होते हैं। तो ऐसे में एक ऐसी गाड़ी परचेस कीजिए जिसकी ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए ताकि गड्ढों में आपको नुकसान ना हो और खास तौर पर आपकी गाड़ी को नुकसान ना हो। आज के टाइम पे इंडिया का जो मार्केट है वो कॉम्पैक्ट एसयूवी ज्यादा प्रेफर करता है, मेनली बिकॉज ऑफ रोड प्रेजेंस और दूसरा ग्राउंड क्लियरेंस। लेकिन वॉक्सवैगन वर्टस, स्कोडा स्लाविया, ये दो ऐसी सेडान गाड़ियां आती हैं जिनकी ग्राउंड क्लियरेंस काफी अच्छी होती है। और अगर आपकी गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है भी नहीं तो उसमें बफर आते हैं, वो आप सस्पेंशन के अंदर लगा दीजिए, जिससे गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो थोड़ी सी ऊपर हो जाएगी। अब मैंने एक वीडियो डाली थी चूज द करेक्ट ऑटोमेटिक, उसके नीचे एक कमेंट ऐसा जिसने मेरा अटेंशन ग्रैब किया कि मैनुअल अगर नहीं लोगे तो आप एमेच्योर हो, आपको गाड़ी ड्राइव करनी नहीं आती। ऐसा नहीं है, US, कनाडा इन सब में मैनुअल गाड़ियाँ कॉन्सेप्ट है ही नहीं, बहुत टाइम पहले ही खत्म हो चुका था, क्योंकि ऑटोमेटिक गाड़ियाँ जो हैं वो आपके पैरों को और आपके ड्राइविंग को ज़्यादा कंफर्ट प्रोवाइड करती है। और जब ड्राइवर ज़्यादा कंफर्टेबल होकर गाड़ी चलाता है तो लॉन्ग ड्राइव कर पाता है, ज़्यादा लंबे टाइम तक ड्राइव कर पाता है, और जब घर पहुंचता है तो ज़्यादा फटीग नहीं होती, खासतौर पर लेफ्ट लेग को ज़्यादा स्ट्रेस फील नहीं होता। हाँ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके लेग्स ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, लेकिन आपके पैर में हमेशा दर्द रहने वाला है। तो इस स्ट्रेस से बचने के लिए ऑटोमेटिक गाड़ी प्रेफर कीजिए, और खास तौर पे वो गाड़ी प्रेफर कीजिए जिसके अंदर हिल होल्ड का फंक्शन आता है और इंजन के अंदर पावर है। ऐसा ऑटोमेटिक कभी प्रेफर मत कीजिए जो पहाड़ों पे चढ़ नहीं सकता है। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो हमने बनाई है कौन सा ऑटोमेटिक आपको लेना चाहिए, आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी। उस वीडियो में हमने पर्टिकुलरली बताया कि कौन से इंजन के अंदर क्या क्या खास बात है और क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं। अब देखिए, जब BS6 आया था तो इंडियन गवर्नमेंट ने सबसे पहले एयरबैग्स को कंपलसरी किया था, ABS को कंपलसरी किया था, EBD को कंपलसरी किया था। इंडिया की जो गाड़ियों का स्टैंडर्ड है वो थोड़ा हाई हुआ, ज़्यादा बेटर सेफ गाड़ी चूज करने लग गए। अब रूल आ गया तो सारी कंपनियों ने एयरबैग और ABS देना स्टार्ट कर दिया। अब देखिए, गवर्नमेंट तो रूल लाती रहेगी, लेकिन हमारी जिम्मेदारी खुद ही बनती है कि हम एक बेटर गाड़ी चूज करें। इसलिए ऐसी गाड़ी चूज करें जहां पर 6 एयरबैग्स तो वैसे भी आते हैं, बाकी जो एक्टिव सेफ्टी फीचर्स होते हैं वो भी आए। EBD आना चाहिए, ट्रैक्शन कंट्रोल आना चाहिए, कॉर्नर ब्रेकिंग सिस्टम आना चाहिए, ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन आना चाहिए, डिस्क ब्रेक वाइपिंग भी आना चाहिए अगर आपकी गाड़ी में ऑप्शन मिलता है आपको तो। इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन जैसे क्रिटिकल फंक्शंस जो आपकी गाड़ी की सेफ्टी ज़्यादा एनहांस करते हैं, जो ब्रेकिंग से रिलेटेड है और जो गाड़ी की स्टेबिलिटी से रिलेटेड है, वो सारे फंक्शन गाड़ी के अंदर आने चाहिए। स्टेबलाइजर बार हो तो बढ़िया बात है, क्योंकि लैडर ऑन फ्रेम जैसी जो SUV सेगमेंट की गाड़ियाँ होती हैं वहाँ पर स्टेबलाइजर बार बहुत काम आता है। अब इंटीरियर के बारे में बात करें तो भैया Hyundai जैसी कंपनियां इतने एडवांस इंटीरियर लेके आ रही हैं, टाटा नेक्सॉन के अंदर देखो कितना एडवांस इंटीरियर आ गया है। इंडियन गाड़ियों की MID में आपने पहले नेविगेशन नहीं देखा होगा, वो भी प्रॉपर एक गूगल मैप का नेविगेशन, लेकिन टाटा नेक्सॉन के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो इस साल जो भी गाड़ियां आएंगी वो AI से इंस्पायर्ड होंगी या फिर उनमें AI वाले फंक्शन होने वाले हैं, जैसे आपकी आवाज को रिकॉग्नाइज करके वो आपके पसंद के गाने चला देंगी, या फिर आप जहां रूट डेली लेते हैं तो वहाँ का नेविगेशन चला देंगे, वहाँ का ट्रैफिक रूटीन आपको बता देंगे, वहाँ ट्रैफिक कितना ज़्यादा हो गया, ऐसी सब चीज़ें बताने वाले। लेकिन
मेन जो बात है वो है कि गाड़ियां ज्यादा एआई से इन्फ्लुएंस होने वाली हैं और बहुत सारे काम एआई करने वाला है। अब गाड़ियों के अंदर एआई आ जाएगा तो यहाँ पर लर्निंग पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आप जो बात कर रहे हैं उसके थ्रू गाड़ी आपको एडवर्टीजमेंट दिखाना स्टार्ट कर देगी, आपकी गाड़ी का जो ड्राइविंग पैटर्न है वो याद करना स्टार्ट कर देंगे, आपका डेली रूट याद करना स्टार्ट करेंगे, इसके बेसिस पे वो कंपनी को डेटा सेल करेंगे और आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो कंपनीज के पास जाने लगी, प्राइवेसी जो चीज़ है वो आपकी खत्म होना स्टार्ट हो जाएगी। उसी के साथ गाड़ियों के अंदर ही एक लाइव जीपीएस का फंक्शन आ जाएगा, यानी आपकी गाड़ी कहाँ जा रही है, कितनी देर चल रही है, आप कितना फ्यूल कंज्यूम कर रहे हैं, आपकी गाड़ी की ड्राइविंग डायनेमिक्स क्या है, ये सब चीजें गाड़ी याद करना स्टार्ट करेगी, जो आपके लिए ही फायदेमंद है क्योंकि आपको ज्यादा बेटर वो फ्यूल इकोनॉमी दे पाएगी। तो अगर आपकी गाड़ी के अंदर ऐसा ऑप्शन आता है तो प्लीज लीजिएगा उसको। अब ये तो हमारी तरफ से इनपुट थे, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भाई साहब आप कौन कौन से फीचर अपनी गाड़ियों के अंदर देखना चाहते हैं। क्या पता कोई कार मैन्युफैक्चरर इस वीडियो को देख रहे हैं और आपका कोई एक पॉइंट उठा के अपनी गाड़ियों के अंदर डालना स्टार्ट कर दे। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।